ठीक है। अब बेटा द बैलेंसिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू इट बाय हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड में वी नीड टू सेपरेट द रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो H2O3 टू माइनस गिव्स अस S4O6 टू माइनस एंड द अदर हाफ रिएक्शन इज I2 gives us I minus. Now the first thing that we need to do, the first thing that we need to do always is balance the elements other than oxygen and hydrogen. So is sulfur balanced out here? Is sulfur balanced out here? No, sir. No. So sulfur ko balance karne ke liye रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास अब आ गया 2S2O3 टू माइनस गिविंग अस S4O6 टू माइनस, ठीक है। तो क्या सल्फर बैलेंस्ड है? यस सर। क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है? यस सर। अब सल्फर और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस्ड है तो अब हमें चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे 4 नेगेटिव चार्जेस टोटल हो गए, यहां पे 2 नेगेटिव चार्जेस है। वेयर शैल आई पुट द इलेक्ट्रॉन्स सो दैट द नेगेटिव चार्जेस बिकम इक्वल ऑन बोथ द साइड्स? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? टू। अब देखो ये वाला पार्ट बैलेंस हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया? बैलेंस। अब लेट्स कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन में देर इज नो ऑक्सीजन, देर इज नो हाइड्रोजन, देर इज ओनली आयोडीन। सो फर्स्ट स्टेप आयोडीन को बैलेंस करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई मैं किधर करूंगा? प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में अब बेटा आयोडीन हो गया बैलेंस, लेकिन यहाँ पे 0 चार्जेस है, यहाँ पे 2 माइनस चार्जेस है। अब हमें फिर से इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं कि चार्जेस बैलेंस हो जाए। हम कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे? रिएक्टेंट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन। शाबाश। ओके, तो दोनों साइड में 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये दोनों रिएक्शन हो गया है बैलेंस। अब दोनों को ऐसे लिखो, पहला रिएक्शन आया H2O3 टू माइनस गिविंग अस S4O6 टू माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकेंड रिएक्शन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस I2 गिविंग अस 2 आयोडाइड आयंस। क्या कटेगा? हमेशा कटना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए? हमेशा कटना चाहिए। और अब हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बताएं? 2S2O3 टू माइनस प्लस I2 गिव्स अस S4O6 प्लस 2। चेक करो क्या सल्फर दोनों साइड में 4 है? क्या ऑक्सीजन दोनों साइड में 6 है? क्या आयोडीन दोनों साइड में 2 है? क्या दोनों साइड में चार्ज -4 है? ये देखो यहाँ पे 2 माइनस है, 2 इंटू 2 माइनस है, और यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे है और 2 इंटू 1 माइनस है। क्या दोनों साइड में 4 माइनस चार्जेस हो गए? Yes, तो इसका मतलब हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। सो दिस वॉज अ सिंपल वन, ठीक है। नाउ लेट्स गिव यू ऑल अनदर वन। ओके, MnO4-1 नेक्स्ट रिएक्शन। ओके, अभी कुछ नहीं लिखना बेटा, ये रटने वाला पार्ट नहीं है, ये पूरा समझने वाला पार्ट है। MnO4-1
plus I minus gives us MnO2, gives us MnO2 plus I2, ये है, ठीक है। अब फिर से इसे हाफ रिएक्शन में बदलेंगे, सो एक पार्ट इधर लिखते हैं, MnO4 minus 1 giving us what? MnO2. And I minus giving us what? I2. I2. अब सबसे पहले first reaction में is Mn balanced? Yes, sir. Yes, sir. Is oxygen balanced? Okay. No, sir. Oxygen को balance करने के लिए we have to add molecules of water. We have to add what? अब कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे सो दैट हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए? प्रोडक्ट साइड में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब देखना ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्या? अब लेकिन हाइड्रोजन आ गया, प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है? फोर। तो नाउ टू बैलेंस हाइड्रोजन वी हैव टू ऐड हाइड्रोजन आयंस। तो कितने हाइड्रोजन आयंस किस साइड में डालेंगे? फोर हाइड्रोजन आयंस ऑन द रिएक्टेंट साइड। सो फोर हाइड्रोजन आयंस को डाल दिया रिएक्टेंट साइड में। अब चेक करो Mn बैलेंस्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब जरा चार्जेस को देखा जाए, चार्जेस इस साइड में चार पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो थ्री पॉजिटिव चार्जेस हो गए, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जीरो चार्जेस है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाओगे और कहाँ पे लगाओगे? वेरी गुड। तो अब ये हमारा एक साइड वाला रिएक्शन हो गया बैलेंस, एक साइड वाला रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब दूसरे हाफ रिएक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे I माइनस है, आई टू है, तो सबसे पहले I को बैलेंस करो, तो किस चीज से मल्टीप्लाई? ठीक है, टू से मल्टीप्लाई ऑन द रिएक्टेंट साइड। अब ऑक्सीजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो सीधे सीधे चार्जेस को बैलेंस करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टू नेगेटिव चार्जेस है, यहाँ पे जीरो, तो कितने नेगेटिव चार्जेस लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? टू इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑन प्रोडक्ट साइड। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड ऑलवेज बी द सेम। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? थ्री। इसमें कितने हैं? तो इस पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से, और इस पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री से। तो अब पहले वाले रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ गया सिक्स इलेक्ट्रॉन्स प्लस एट एच पॉजिटिव प्लस टू एमएनओ फोर माइनस, फिर प्लस, फिर हमारे पास सेकेंड रिएक्शन सिक्स आई माइनस गिव्स अस अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या क्या कैंसिल हुआ देखना, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैंसिल होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या हो जाना चाहिए? अब बताओ अब क्या आंसर आएगा, 8H+2MnO4-6I- 2MnO2 4H2O
प्लस फोर एच टू ओ प्लस थ्री आई टू. अब बेटा चेक करते हैं, हाइड्रोजन एट ऑन बोथ द साइड्स, एम एन टू ऑन बोथ द साइड्स, ऑक्सीजन एट ऑन बोथ द साइड्स, आयोडीन सिक्स ऑन बोथ द साइड्स, चार्जेस शुड बी जीरो ऑन बोथ द साइड्स. यहाँ पे देखना, एट पॉजिटिव है, फिर माइनस टू हो गया, फिर माइनस सिक्स हो गया, जीरो, और इधर तो जीरो चार्जेस है. द बेस्ट वे टू फाइंड, एग्जाम में जब आप सॉल्व कर लोगे ना और चेक करना चार्ज आपका बैलेंस है कि नहीं, सीधा क्या करना, चार्ज बैलेंस करके चेक करना. अगर चार्ज आपका बैलेंस्ड है तो मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही सही किया है. ओके, अब आई एम गिविंग यू ऑल, आई एम डूइंग वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू ऑल. अरे इसमें तो नहीं है, यही एग्जाम्पल्स थे. ओके, सो लेट्स लुक एट समवेयर एल्स, अनदर वन. ओके, सो वी हैव इट कमिंग. यस, ओके, ये अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है. अरे नीचे जाना है, नीचे. ओके, सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. एम एन टू प्लस प्लस बी, ओके, प्लस बी आई ओ थ्री माइनस वन गिविंग अस एम एन ओ फोर माइनस वन एंड बी आई थ्री प्लस. ओके, अब सबसे पहला काम क्या होता है, सेपरेट करना. तो एम एन टू प्लस के साथ क्या आ जाएगा, एम एन ओ फोर माइनस, एम एन ओ फोर माइनस बी आई ओ थ्री के साथ क्या आ जाएगा, बी आई थ्री पॉजिटिव. बी आई थ्री पॉजिटिव. ओके, सो बी आई थ्री पॉजिटिव. अब सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन में इज एम एन बैलेंस्ड, नो सर, एम एन बैलेंस्ड है, इधर पे भी एक एम एन है, इधर पे भी एक एम एन. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कहाँ पे, फोर, बिल्कुल ऑन द रिएक्टर साइड. अब ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया. ओके गाइज, प्लीज डू नॉट राइट, मैं इसलिए करवा रहा हूं कि दिमाग में एक बार घुस जाएगा तो फिर आप फाइनल एग्जाम तक नहीं भूलोगे. अब हाइड्रोजन कितने आ गए, एट. तो कितने हाइड्रोजन के आयंस और किस साइड पे, एट हाइड्रोजन आयंस प्रोडक्ट साइड, बिल्कुल सही. अब ये हो गया हमारे पास यहाँ पे MnO4, MnO4 minus plus 8 hydrogen ions on the product side. Ab what is the charge on the reactant side? 2+2. And what is the charge on the product side? 0. 7. Product mein dekho 7 hai. Yes, sir. Okay, ye dekhna. Yahan pe 2 plus hai. Ye minus 1. प्लस एट कितना हो गया, प्लस सेवन. तो नाउ वी नीड टू एड इलेक्ट्रॉन्स टू मेक इट प्लस टू. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर वी गोइंग टू एड ऑन द प्रोडक्ट टू मेक प्लस सेवन टू प्लस टू, फाइव. बस यही 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 चीज मेन सीखना है, ठीक है. तो हमारा एम एन टू प्लस आ गया, so MnO4 minus 1 plus 8H positive plus 5 electrons इधर आ गया. अब ये वाला काम खत्म. अब BiO3 पे आते हैं. Is Bi balanced? Yes. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और कहाँ, ऑन द प्रोडक्ट साइड. ओके, अब इसके वजह से हाइड्रोजन कितने हो गए, सिक्स. तो कितने हाइड्रोजन के आयंस किस साइड में,
ठीक है, तो ये हो गया आपका ये चीज। अब बेटा जरा चार्जेस जल्दी से देखते जाओ, चार्जेस दोनों साइड में कितने हैं? एग्जैक्टली इस साइड में प्लस फाइव चार्ज है और इधर पे प्लस थ्री है, तो प्लस फाइव को प्लस थ्री करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे? शाबाश, ठीक है, सो टू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड ऑन द रिएक्टेंट साइड, ये हो गया। अब ये वाला भी हमारा, ये हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गया, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सेकेंड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टू। तो इस फाइव को टू से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें ऊपर का कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रिएक्शन बताओ। 8H2O + 2MN2+ +2 MnO4- +16H+ +10 electrons. मेरा वीडियो ऑन है क्या? प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, वीडियो ऑन नहीं है ना मेरा? नो सर। ओके, अब ये बताओ सेकेंड रिएक्शन। 10 इलेक्ट्रॉन्स + 30 हाइड्रोजन। देख रहे हो कितने कितने बैलेंसिंग में आ रहे हैं, और फिर +5 BiO3- 1 गिविंग अस Bi3+ +15। अब हमारा आंसर आएगा, और हमेशा आंसर में क्या कट जाना चाहिए? टोटली इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कट गए। यहाँ पे 16H+ है, यहाँ पे 30H+ है, तो कितने H+ बचे? 14H+, ठीक है। यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, यहाँ पे 15 है, तो प्रोडक्ट में 7H2। अब बाकी बताते जो प्लस कितना? +2 MN2+ ओके, प्लस BiO3 नेगेटिव गिव्स अस 2MnO4- +5 BiO3+ ओके, अब सोचो अगर ऐसा बैलेंसिंग आए तो हिट एंड ट्रायल करेंगे तो जिंदगी में नहीं आएगा, ठीक है। अब चेक करो, 14 हाइड्रोजन इज इन द रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? Mn 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 है। बिस्मत कितने हैं? 5 and 5। ऑक्सीजन कितने हैं? 15। प्रोडक्ट साइड में देखो 15। अब मेन चीज क्या होता है? चार्ज। 14 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव, कितना हो गया? 13 पॉजिटिव चार्जेस। चेक करते हैं, यहाँ पे है 2 नेगेटिव एंड यहाँ पे 15 पॉजिटिव, कितने हो गए? 13। ओके, ये कहाँ से कहाँ चला गया? ओके, सो यानी कि ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ओके, हाँ जी बेटा, आपने वाटर क्यों नहीं लिया? वाटर क्यों नहीं लिया? लिया तो सही, ये तो रहा वाटर। वाटर, हाँ जी ठीक है, लिया है भाई, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिद्धक लिखो नहीं अभी, पहले समझो। अगर आप लोगों ने समझ लिया है ना, ये मैंने 3-4 जो भी क्वेश्चन किए हैं, इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल, देन आई कैन गारंटी ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप सबका सही आएगा। पी प्लस पी, अरे वेयर इज इट रनिंग, पी प्लस, ओके,
giving us Cu2+. Okay, and this gives us Cu+ H2PO4-1. H2PO4-1. So आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूं, देखते हैं हाउ मेनी पीपल कैन फिनिश इट बिफोर 5 मिनट. ओके बेटा, अब ध्यान दे एक बार. डन, वेरी गुड. P is giving us control Z. P is giving us H2. अब हाइड्रो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4H2O इधर गिविंग अस H2PO4 नेगेटिव. ओके, गिविंग अस H2PO4 नेगेटिव. ओके, देन हमारे पास अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एग्जैक्टली 6 हाइड्रोजन्स ऑन द प्रोडक्ट साइड. ओके, अब हमारे पास इधर पे 5 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4H2O+P gives us H2PO4- plus 6H+ plus 5 electrons. Perfect. आप दूसरा वाला देखते हैं, ये तो बहुत ही इजी है. Cu2+ giving us Cu में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लगा देना था और ये वाला बैलेंस हो गया. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना 5 से. सो अब मल्टीप्लाई करके दोनों को कंबाइन करके लिखा जाए 8H2O plus 2P. 2P gives us 2H2 PO4- plus 12H2 PO4- plus 12H2 and 10 electrons. और यहाँ पे आ गया 10 electrons plus 5 Cu2+ gives us 5C. अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसिल आउट, सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट 8H2 प्लस 2P गिव्स अस, अच्छा सॉरी, प्लस 5 Cu2+ गिव्स अस 2H2PO4-1 plus 12H+ plus, ठीक है. अब चेक कर लो, 5 और 8 2 16, 16 हमारे हाइड्रोजन दोनों साइड में है, ऑक्सीजन 8 दोनों साइड में है, फॉस्फरस 2 दोनों साइड में है, कॉपर 5 दोनों साइड में है, रिएक्टेंट साइड में 10 पॉजिटिव चार्जेस है, प्रोडक्ट साइड में भी 10 पॉजिटिव चार्जेस है, सेम है ना. ओके, अब एक और, अब आई वांट, हाँ जी बेटा, एक बार चार्जेस बता दो. कौन से में बेटा, यहाँ पे या यहाँ पे? लास्ट में, यहाँ पे देखना बेटा, ये 5 है और इसके पास प्लस 2 है, कितना हो गया टोटल चार्जेस 10. यहाँ पे देखो, ये 2 है और ये -1 है, तो 2 × -1 प्लस 12 × +1 टोटल कितना हो जाएगा 10. ठीक है, सो ये आप लोगों का हो गया. अब ये आ गया समझ में, ये हो गया आप लोगों का, आया चार्ज समझ में. ओके, आप एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और वो वाला मुझे ना प्लीज सबका आंसर चाहिए, सबका सही वाला आंसर चाहिए, आंसर नहीं सबका सही वाला आंसर चाहिए. इतना 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 मेहनत करने का नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है. PH3 plus I2
gives us H3PO2 minus H3PO2 minus minus plus I minus. Chalo, let's get it done. Let's all get it correct. Okay, 5 minutes. 5 minutes mein dekhte hai ki sabka sahi aata hai ki nahi.